मॉर्निंग सलाम सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हिम छत्तीसगढ़ हमारा से की यात्री आपका स्वागत करता हूँ। कि हाल चल भैया? तो अभी इस वक्त हूँ मैं, देख सकते हो मेरा चेता का भी रेडी है, और इस वक्त हूँ मैं चित्तौड़गढ़ में, और आज जो स्टे किया था यहाँ किया था ये वाले होटल पे, और अभी नहा धो के पूरा संपूर्ण रूप से फ्रेश हो गए हूँ गाइस, और इस वक्त बस निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किला को एक्सप्लोर करने के लिए। और दो जगह ऐसे इन्वाइट आया है स्कूल से, तो वहाँ भी जा सकते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारा जो प्लान है शाम तक एनी हाउ यहाँ से निकलना है करके, क्योंकि यार राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल भी है, तो हम लोग जितना ज़्यादा कवर कर सकें उतना कोशिश कर रहे हैं। बाकी अभी नहा वहाँ के फ्रेश होके पूरे पूर्ण रूप से चेतक को भी फ्रेश करके अभी बस निकल रहे हैं, और देख सकते हो समय इस वक्त 9:08 हो रहा है। तो चलिए गाइस निकलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे के लिए। तो ये है गाइस चित्तौड़गढ़ का शहर, छोटा सा, और मॉर्निंग है अभी तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, और इस तरीके से जा रहे हैं अभी चित्तौड़ के किला। तकरीबन सिटी से ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा 7 किलोमीटर के आसपास। फाइनली अभी सब सिटी में है और राह चलते सर से मुलाकात हो गया, और उन्होंने हमें ऑफर किया है, ये देख सकते हैं क्या, नारियल पानी विद पोहा, और ये है वो सर। सर आपका गुड नेम क्या है? सर आपका गुड नेम? मनोज कुमार गुप्ता, फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार। तो सर जो है हमें आज खिला रहे हैं पोहा और नारियल का पानी पिला रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में कहाँ से सर आप? गया जिला। तो हम लोग उधर भी विजिट करेंगे 2-3 महीने बाद, उधर भी रहेंगे। तो गाइस सर से मिल के बहुत अच्छा लगा हमें, और क्या कहते हैं ऐसे ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है राजस्थान में भी, और सर हमारे पड़ोसी राज्य के हैं तो मिल के और कुछ ज़्यादा भी उत्साह हुआ। तो चलिए मिलेंगे अगले पड़ाव पे। गाइस ऐसा जगह आए हैं ना जहाँ दुनिया की सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दुनिया के सबसे सस्ते कपड़े यहाँ मिलते हैं, फ्रेंड्स कलेक्शन, और ये दुकान है यहाँ। जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सस्ता है करके, और फिर उसके बाद आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो क्या कहते हैं लिखा हुआ है वो सही है या गलत। सो गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड दैट शॉप, और वहाँ आए हैं जहाँ दुनिया का सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है, और ये है भैया जो हमें कपड़ा इस वक्त अभी दिखा रहे हैं। इनके लिए चाहिए टी शर्ट, और हम देख रहे हैं अभी टी शर्ट, और ये देखिए अभी भैया दिखा रहे हैं ये इस तरीके से। भैया इसका प्राइस क्या है? इसका 350। 350। ये देखिए ये कॉलर में प्रिंट मिल जाएगी आपको, एक प्रिंट 350 का ये टी शर्ट है गाइस, और ये सस्ता ही है। कितने का? 2,500। ये 250 रुपए का ये टी शर्ट है प्लेन में विदाउट कॉलर। सो गाइस अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया का सबसे कपड़ा सस्ता दुकान जो है गए थे, लेकिन सस्ता नहीं है भाई साहब, खाली कस्टमर बुलाने के लिए वैसा लिख दिया है, बाकी सबसे महंगा तो वही है। और अभी पहुँच गए हैं गाइस बड़ा ही बेहतरीन लोकेशन पे, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट मतलब किला, ये देखिए कितना बड़ा है, ये जितना ये पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू होता है ये कोने से, और पूरा ये सब किला है भाई साहब, ये दिख रहा है सब किला है, और पूरा वहाँ छोर तक तकरीबन 10 किलोमीटर का होगा। आज पूरा दिन लगने वाला है इसमें पक्का पता है। साइकिल लेके चढ़ेंगे ऊपर, साइकिल ट्रैवलिंग करते बन जाएगा ऊपर में, ऐसे करके बोले हैं कई लोगों से, कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं, इसका वीडियो आपको सेपरेट मिलेगा, इस ब्लॉग पे शामिल नहीं रहेगा, तो आप अलग से इसका वीडियो देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए जाते हैं वहाँ पर और पूरे एक्सप्लोर करते हैं। सो है गाइस अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ का जो किला है एकदम जस्ट नीचे में है, और यहीं से जो है ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। आप साइकिल से, बस से, ऑटो से, एनीथिंग मतलब कुछ भी आपके पास साधन है उससे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मेरे पीछे में रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो यहाँ लोकेश भैया मेरे को मिले थे, और उनके द्वारा अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, आलू परोठा खाए हैं, और ये जो है उनका होटल है,
श्रीनाथ रेस्टोरेंट, कार्ड अभी मेरे हाथ में है देख सकते हैं। और भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ब्रेकफास्ट खिलाए और आलू पराठा खा के हम चढ़ रहे हैं ऊपर के लिए। मेरा चेतक जो है अभी रेडी है और फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं ऊपर के लिए। बहुत शुक्रिया भैया का। और ये जो होटल की बात करूँ, यहाँ बहुत अच्छा टेस्टी फूड मिलता है, हमने खुद टेस्ट किया है। तो आप जब भी यहाँ किला विजिट करने आए, श्रीनाथ एकदम नीचे में एकदम अच्छा शानदार फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है गाइस। तो यहाँ आके आप ज़रूर अपना आप लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, तो एकदम ऑसम है। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऊपर में। यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने मौजूद है और इस तरीके के जो 7 दरवाजे हैं पार करके हमें जाना पड़ेगा पूरा ऊपर पे टॉप पे। तो इस तरीके का 7 दरवाजा पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो ये जो किला है 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। खाली लंबाई चौड़ाई का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऊपर में आपको पूरे गाइड के साथ में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको दोबारा जब भी आप यहाँ आए गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए मिलते हैं गाइस ऊपर पे। तो भाई साहब बंदर अभी सो रहा है, मैं ऊपर आया हूँ, देखिए एकदम ध्यान से सो रहा है। से देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना फैंटास्टिक लग रहा है, बहुत शानदार जबरदस्त लग रहा है। किला में बस एंट्री कर ही रहे हैं अभी हम लोग। और ये देख सकते हैं यहाँ से मैं 3 दरवाजे क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ और यहाँ से फिर उतने ऊपर चढ़ाई है। और ये देख सकते हैं पूरा सिटी यहाँ से बेहतरीन लग रहा है। तो है गाइस अभी 3 किलोमीटर का चढ़ाई पार करके हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसके टॉप पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मिलता है टिकट, ये टिकट काउंटर है। पर पर्सन 40 रुपीस, अगर वो फॉरेनर है विदेशी व्यक्ति है तो उसका 600 रुपया पर हेड का चार्जेस है। आइए इनसे मिलते हैं। सर है तो सर आपका गुड नेम क्या नाम है? मायसेल्फ इज उमेश सिंह। सो फर्स्ट इज योर मोस्ट वेलकम हियर सर, यू हैव गुड जर्नी हियर and I am working as a guide here Chittorgarh Fort. So Chittorgarh is a very famous for the bravery of rulers. Thank you sir. Our king was very bright, they never accept friendship rather than the sacrifice in the war, but never head down. That is why this region is still known as a pure warrior state, the Mewar states. So you are most welcome here sir. Thank you so much. Enjoy your day and have a nice journey. Thank you sir. तो देख सकते हैं गाइस यहाँ जो अभी सर जो थे वो गाइड है यहाँ के। और सचमुच में हमने बहुत उनके बारे में सुना है, वो एक महान योद्धा थे और पढ़ा भी है बहुत सारे। और अभी जो उदयपुर से होके आए वहाँ भी उनके बहुत सारे इतिहास को हमने जाना और हमें अवसर मिला है एक और बार जानने का उनके जहाँ वो रहते थे, जिस फोर्ट में, जिस किला में उन्होंने रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो ये है गाइस रात का नाइट व्यू और अभी हम लोग हैं चित्तौड़गढ़ के किला के ऊपर में। और यहाँ से देख रहे हैं आप पूरे चित्तौड़गढ़ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के अराउंड फैला हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का जो है सारा चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया, लाइटिंग वगैरह हर चीज़। और देख सकते हैं कुछ डिस्को लाइट्स वगैरह भी यहाँ पास लगे हुए हैं ये इस तरीके से। और एक जगह और वहाँ पास, क्योंकि आज गणेश विसर्जन हो रहा है कई जगह, तो इस वजह से ऐसा डिस्को लाइट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आपको मोबाइल में अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमको ऐसा फील हो रहा है कि वी आर इन द स्काई एंड दिस आर द स्टार्स। तो ऐसा हमको फीलिंग आ रहा है बहुत गजब का। तो है गाइस कल नाइट में किला से उतरते उतरते काफ़ी रात हो गया और रात में इतना थक गए थे कि मैं सो गया, व्लॉग नहीं कर पाया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फोर्ट जो किला विजिट किए हैं उसका वीडियो सेपरेट आने वाला है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जो किला है यहाँ का जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी ने जो बनवाया था सुपर था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, अगर वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय जोहार, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।